हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पुनः डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था, लेक्चर वन में पढ़ा था कि हिंदी साहित्य को कितने युगों में बांटा गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा था रिक्तिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इनके प्रकार भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और उसमें फिर हम लोगों ने आदिकाल को पूरा डिस्कस किया था, उसके बारे में, उसकी परिभाषाएँ, उसकी क्या कहते हैं विशेषताएँ, कवियों के नाम, रचनाएँ। और आज हम लोग लेक्चर टू में पढ़ेंगे भक्तिकाल, दूसरा नंबर पढ़ेंगे भक्तिकाल, ठीक है। हाँ, और इसमें भक्तिकाल के प्रकार भी देखेंगे हम लोग, इनकी विशेषताएं देखेंगे और इनके कवियों के नाम देखेंगे आज। तो आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हम उम्मीद ये आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको देखने के बाद समझ में आ गया। आपने पिछला भी वीडियो आपने देखा होगा लेक्चर वन, तो उसमें आपको आदिकाल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, खैर, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम भक्तिकाल के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, दूसरा नंबर भक्तिकाल है, जो कि 1375 से लेकर 1700 तक चला, ठीक। नामकरण इसका भक्तिकाल क्यों पड़ा? भक्ति से ही, मतलब आपको पता चल रहा है, भक्ति भावना इसमें रही होगी। अब किसके प्रति भक्ति भावना रही? देशभक्ति रही, कि प्रेम भक्ति रही, ज्ञान भक्ति रही, ईश्वर भक्ति रही, किसके भक्ति रही? माता पिता के प्रति रही, किसके प्रति रही? तो इस काल में भक्ति परक रचनाएं हुए, इसमें जितनी रचनाएं होती थी सब भक्ति से ओत प्रोत रहती थी, इसलिए इसको भक्तिकाल कहा गया। इसलिए इस समय के साहित्य को भक्तिकाल कहा गया था। अच्छा, उस समय की कंडीशन क्या थी, परिस्थितियाँ थी क्या थी समाज की? इस समय समाज की परिस्थितियाँ विषम थी। विषम मतलब सेम, उल्टा हो चुका होगा, ठीक है। पहले क्या था, हमने पहले वाले में पढ़ा था कि सारे राज्यों में, सभी, पूरा भारत जो राज्यों में विभाजित था, और सभी राज्य में एक हिंदू राजा रहता था, ठीक है। और प्रजा कई तरह की होती थी, कई धर्मों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हिंदू मुसलमानों में भेद था, दोनों भेद हो चुका था। अजंता हिंदू हो गई थी और राजा मुसलमान हो गए थे, बताओ उल्टा हो गया था। राजा अपने धर्म को प्रजा पर लादना चाहते थे, वो कहते थे हमारा मुस्लिम, यानी कि आप हमारा मुसलमान धर्म को अपनाओ आप, ठीक है। इसलिए सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, इसलिए संतों का अवतार हुआ। जब संत वहाँ पे आए और काफ़ी बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने यज्ञ तपस्या की, उसके बाद सामाजिक एकता स्थापित करने को उन्होंने भरसक प्रयास किया, जिसमें साहित्य उनका माध्यम बना रहा, ठीक है। इनका विभाजन देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है। जैसे दिए निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा, ठीक। भक्ति को कितने प्रकार से, निर्गुण और सगुण, इनका मतलब भी हम बताएंगे। निर्गुण में कौन कौन आता है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण में कौन आता है, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। सगुण का मतलब होता है जो डायरेक्ट राम और कृष्ण को प्रति भक्ति भावना रखते थे और उनके बारे में कविताएं लिखी हैं, वो सगुण में आ गए। जो डायरेक्ट राम कृष्ण को ना मानकर उनको एक ज्ञान के द्वारा खोजने की मतलब तरकीब अपनाई गई, प्रयास किया गया कि ज्ञान के मार्ग से हम अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं या प्रेम के मार्ग से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी को अपनाया, इन्हीं के बारे में उन्होंने कविताएं लिखी, रचनाएं की। तो चलिए, खैर, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। खैर, हम पहले भक्तिकाल की विशेषता देख लेते हैं, उनके बाद इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। खैर, चलिए, तो जैसे ये आप आ जाए थोड़ा सा स्लाइड, है ना, बिल्कुल। जैसे आप ये विशेषताएं देख पा रहे हैं यहाँ पास भक्तिकाल की, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जितने भी 10-12 विशेषताएं हैं, तो उसमें से आपको 5-6 याद रखना है, ठीक है। मेन मेन भक्तिकाल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी, बहुत सरल है। देखो, काव्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अगर इतना ना लिखेंगे, इतना भी लिख देंगे, भक्तिकाल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी, भाई भक्तिकाल में भक्ति भावना तो होगी ही, तो बहुत अच्छा है। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा दो भागों में विभाजित हुई थी, ये भी बढ़िया है भाई, कि ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा दो भागों में बट गई थी। तीसरा क्या था, सभी कवियों ने समाज सुधार, समाजोत्थान, सामाजिक एकता या धार्मिक एकता, सामाजिक काव्य का, संबंधित काव्य का सृजन किया उन्होंने, ठीक है। ऐसे काव्य लिखे जो कि समाज सुधार के लिए हो, समाज के उत्थान के लिए हो, धार्मिक एकता के लिए हो। चौथा नंबर है, तुलसी ने लोक कल्याणकारी राम काव्य का सृजन किया, लोक कल्याणकारी राम का काव्य का सृजन, ऐसा राम का काव्य लिखे उन्होंने राम के बारे में कि जो कल्याणकारी हो, लोक कल्याण का। आज तक हम लोग रामायण देखा करते हैं, सही है ना। पांचवा, सूर मीरा आदि कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण भक्ति काव्यों की रचना की। सूरदास जी, मीराबाई जी, इन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति के से ओतप्रोत काव्यों की रचना की, कविताएँ लिखी, ठीक है। ये सब देखते रहना भाई, कोई कृष्ण को मान रहा, कोई राम को। देखो, तुलसीदास जी ने राम को माना, सूरदास और मीराबाई जी ने कृष्ण को माना,
ठीक है। और इसमें तीसरा ये भी आना चाहिए कि प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी वालों का भी नाम आना चाहिए, पर यहाँ पे दिया नहीं है। इस काल की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय है, बिल्कुल होगा भाई, इस काल की कविता में भाव पक्ष कला पक्ष दोनों का। इस काल के कवि इस काल में लिखा गया साहित्य विश्वविख्यात है, तो आप ये भी लिख सकते हो सैया रामायण वगैरह जो पहले लिखे गए थे कितना ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध, अच्छा मीराबाई के पद हों चाहे सूरदास की हों सभी हों। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, तुलसीदास जी। राम भक्त के बारे में सबसे ज़्यादा तुलसीदास ने लिखा, अच्छा तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, उसके बाद मीराबाई थी। दोनों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया, ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की अपेक्षा भक्ति को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया, और उन्होंने भक्ति के बारे में लिखा। भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्तक रचनाएं भी लिखी, ठीक है। मुसलमान के सूफीवाद, उन्होंने सूफीवाद को ज़्यादा मानते थे, क्या मानते थे, सूफीवाद को, ठीक है। और भारतीय सिद्धों नाथ पंथियों के प्रभाव से काव्य में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर रहस्यवाद ऐसे ऐसे बारे में भी बताया गया जो कि रहस्य हुआ करता था। जायसी जी हैं, उस्मान हैं, उस्मान आदि कवियों ने प्रेमा व्याख्यान काव्य लिखे। जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी से कहते हैं, आगे आपको नाम मिलेगा पूरा। उस्मान जी हैं, ये सब कवि ने प्रेमा व्याख्यान किया, प्रेम के बारे में बहुत अच्छा लिखा, ये प्रेम मार्गी के थे। वात्सल का जितना सुंदर चित्रण तो सूरदास ने किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। सूरदास और मीरा के काव्यों में गीत शैली का आवर्तन हुआ, सूरदास और मीराबाई जी काव्य में गीत शैली यानी कि गा गा करके ज़्यादा बताते थे, तो गीत शैली का यहाँ पे आगमन हुआ था, सही है ना। तो काफ़ी आपके 13 दिया गया है, आप इसमें से 5-6 कर लेंगे, आधा हटा देंगे, जो सरल है उनको आप याद कर लेंगे। चलिए खैर देखते हैं हम लोग निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा दो थी उसमें हम लोगों ने वहाँ देखा था, तो निर्गुण देख लेते हैं क्या होता है। निर्गुण में, निर्गुण ईश्वर में विश्वास, सभी संत कवियों ने, जितने भी संत कवि थे सभी ने नाम रूप रहित निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया, कहा कि हम ऐसे ब्रह्मा की उपासना करेंगे जिनका नाम रूप रहित यानी जिसका नाम ना हो ना जिसका रूप हो, हम उस ब्रह्मा को मानते हैं। और सभी वर्णों और जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञान गम्य है, यानी कि ज्ञान के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हो, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना कर सकते हो, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा, निर्गुण राम जपहु रे भाई अविगत की गति लिखी न जाई, ठीक। और दूसरा है बहुउद्देशवाद, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया गया। बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवताओं के, नहीं कहते थे कि ये लक्ष्मी जी हैं, ये श्री गणेश हैं, ये हैं, अवतारवाद का भी विरोध। निर्गुणिया संत कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद में अविश्वास प्रकट किया, कहा कि ऐसा नहीं होता कि ये 10 अवतार लिए 15 अवतार लिए, है ना। और एक एक ईश्वरवाद का संदेश दिया, कहा कि ईश्वर एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश को मायाग्रस्त कहकर उन्होंने निंदा की, क्या कहा, ये सब माया है, मायाग्रस्त है, सब ब्रह्म ईश्वर एक ही होता है, ठीक है, जिससे हमें ज्ञान के मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अच्छे पुरुष का एक पेड़ है निरंजन बाकी डार, त्रिवेदा शाखा भय पात भया संसार, कह रहा कि ईश्वर एक ही है, बाकी उसके बहुत सारी डार होती हैं, उसी प्रकार ये हमारे होते हैं भाई, त्रिवेदा सखाव है, ये सभी भाई भाई हैं, लेकिन इनके पात भया संसार, इनके बहुत सारे कहते हैं कि छोटे छोटे अंश बहुत सारे हुए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुराई की। यहाँ पे कबीरदास जी ने लिखा, देखो ज्ञान मार्गी थे ये, हमने आपको बताया। गुरु महिमा, संत कवियों ने गुरु महिमा का बखान किया है, गुरु को ईश्वर से भी ज़्यादा बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो बताए। इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, एक समय गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर, ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हुए थे, तो एक बच्चा सोचता कि हम पहले गुरु के पैर पड़े प्रणाम करें या फिर ईश्वर को, अगर ईश्वर को करते हैं तो गुरु हमारे नाराज़ हो जाएंगे जिन्होंने हमें यहाँ जीना सिखाया, हमें ज्ञान दिया, और अगर ईश्वर को, अगर गुरु को करते हैं तो ईश्वर है जिन्होंने हमें बनाया जन्म दिया, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, इतने में गोविंद ईश्वर खुद कहते हैं कि हमसे ज़्यादा सम्मान पात्र कौन है, आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, ठीक है, तो उन्होंने खुद कह दिया था। चौथा नंबर रूढ़िया और आडंबर का भी वो बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, चाहे हिंदुओं का धर्म हो चाहे मुस्लिम का हो, आडंबर कारण उनका विरोध किया गया। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताज चढ़े मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पे देखो मुस्लिम के बारे में भी बुराई की गई, हिंदू के धर्म की जब बहुत ज़्यादा आडंबर होता था, ढोंग होता था, जो कि आजकल भी चलता है, ठीक है। पाँचवा नंबर जाति पात के भेदभाव का भी विरोध किया,
संत कवियों ने इसका विरोध बहुत किया था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई। कह रहा कि वहाँ जाति पात कुछ नहीं होता, जो भी हरि का भजन करेगा वह हरि का होगा, यानी ईश्वर का होगा। ठीक है, नाम का महत्व, भजन के माध्यम से नाम जपने को महत्व दिया गया, भजन के माध्यम से नाम जपने को महत्व दिया गया था। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कह रहा ढाई अक्षर का प्रेम का होता है, जो कि पढ़ेगा वही पंडित होगा। रहस्यवादी रचनाएँ, ईश्वरीय प्रेम को स्थापित किया गया, ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वर के प्रति प्रेम, मानव के आडंबर से ऊपर उठाया, जल में कुंभ, कुंभ है जल, भीतर बाहर पानी, बहुत सारी इसमें रचनाएं की। गीता पूरी रचनाएं नहीं याद करना, बेसिकली हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको, ताकि यह रटना ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल। तो ये निर्गुण भक्तिधारा की कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इनकी विशेषताएं आता है तो आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आगे विशेषता दिया होगा तो उसको देखते हैं। चलिए, निर्गुण में आपने देखा, निर्गुण में दो थे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, तो दोनों का यहाँ पे वर्णन किया गया थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे और हम इनके बारे में देख लेते हैं। वो निर्गुण भक्तिधारा की विशेषताएं हो गई थी, या फिर आप यहाँ पे आगे भी आपको वही चीज़ें यहाँ मिलेंगी, तो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी एक साथ दिया गया है, बढ़िया है। निर्गुण भक्तिधारा के इनके दो भेद थे, ज्ञानाश्रय और प्रेमार्ग। क्या होता है ज्ञानाश्रय? इनमें यथार्थ ज्ञान को, ईश्वरीय तत्व को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, आडंबर का विरोध किया, दिखावेपन का विरोध किया, और ज्ञान को ही ईश्वरीय तत्व मान करके साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया था। मुख्य कवि थे कबीरदास जी, नानकदास और सूरदास। सूरदास जी भी इसमें आते हैं ज्ञान मार्गे में। साहित्य में बीजक आते हैं, बीजक जी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। प्रेम मार्गी में कौन है? प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर से आत्मा को मिलाने की विधि बताई गई, प्रेम के माध्यम से, बहुत बढ़िया है। इसमें गुरु को माध्यम बनाया गया, आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को प्रेम का बनाया गया, परमात्मा को प्रेम का, आत्मा को प्रेमी, और गुरु को माध्यम बनाया गया कि हम गुरु के माध्यम से अपने प्रेमिका तक, यानी कि ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। कवि जायसी मुख्य हैं, जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बताया। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, यहाँ पे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ज्ञानाश्रय की विशेषताएं, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना, मतलब उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई नाम नहीं, ऐसे ब्रह्मा, ऐसे ईश्वर की उपासना की गई थी। आडंबर का खंडन किया गया था, विरोध किया गया था, मूर्तिवाद का विरोध किया गया, किसी की मूर्ति बनाकर नहीं पूजा जाना चाहिए। गुरु महिमा का विखोम किया गया, गुरु को बहुत बहुत बड़ा बताया गया था, ईश्वर से भी बड़ा। सदुकड़ी भाषा, मतलब सदुकड़ी भाषा मतलब साधु संत लोग थे, हर भाषा को मिक्स कर देते थे, जहाँ भी भाई तप करने जाते थे, जहाँ भी भाई सिद्ध करते थे, जहाँ जाप करते थे, वहीं की भाषा सीख करके मिक्स कर देते थे सब, उसको सदुकड़ी भाषा कहते हैं। प्रेमाश्रय शाखा की विशेषता, आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को नायिका बताया गया। ठीक है, आत्मा को, अपने आत्मा को प्रेमी और उस परमात्मा को नायिका बताया गया, इनके प्रति प्रेम, और गुरु माध्यम थे। प्रेम कथा आधार हुआ, गुरु की महत्व बहुत बताई गई थी, हठ योग की साधना बताई गई थी, नए प्रतीकों का बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग भी गया था, यानी कि ये चीज़ें इनकी विशेषता है। खैर, अगर ये पूछा जाता है तो आपसे ज़रूर लिखें। रचनाएं देख लेते हैं इसकी। अब जैसे ये आपके निर्गुण भक्तिधारा की रचनाएँ देख रहे हैं, कवि देख रहे हैं, तो ये आप भक्तिधारा में भी आप लिख सकते हैं, भक्ति काल में भी, ये भक्ति काल की भी विशेषता कहलाएगी। ठीक है, तो दो तीन ठे से उठा लेना, निर्गुण से, दो तीन ठे सगुण में भी हम कराएंगे तो उससे दो तीन ठे ले लेना, या फिर शुरू में आपको हमने बता चुके तो आप वो वाला लिख लेंगे। ठीक है, जब निर्गुण पूछेगा तब इसको लिखना, सगुण पूछेगा तो उसको, लेकिन कभी जो हैं रचनाएं तो दो तीन इसके याद कर लेना, दो तीन सगुण वाले के, तो दोनों मिक्स मिला करके आप पहुँच जाना किसमें, भक्तिधारा में। ठीक है, भक्ति काल में। मलिक मोहम्मद जायसी जी, पद्मावत महाकाव्य है जो उन्होंने लिखा था, यानी 8 सर्ग से ज़्यादा था, पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी। मंझन है जो कि मधुमालती लिखा था उन्होंने। उस्मान जी हैं जो चित्रावली लिखा था। शेख नवी ज्ञानदीप लिखा था। कासिम शाह है जो हंस जवाहर लिखा था। नूर मोहम्मद इंद्रावती लिखा था। आदि सूफी कवि प्रेम मार्गी काव्यधारा के आधार स्तंभ है, ये प्रेम मार्गी के आधार स्तंभ थे। ठीक है, और आपके अगर ज्ञान मार्गी में पूछा जाए तो कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी भी थोड़ा थोड़ा उसमें है ना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। चलो चलते हैं, हम सगुण भक्तिधारा में चलते हैं। इस भक्ति में नाम रूप, रूपधारी सगुण ईश्वर की उपासना की, यानी जिसका नाम हो और रूप भी हो, वैसे सगुणोपासक भक्त भगवान ने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है। वैसे सगुणोपासक भक्त जो होता है वो भगवान ने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। क्या? भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। राम कृष्ण आदि अवतारों की उपासना इस धारा का देह था, कि राम का अवतार हुआ, श्री कृष्ण का हुआ, इनको ज़्यादा मानता है। ठीक है,
सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा, रामाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय शाखा जो होता है, शाखा की कवि सूरदास, नंददास, नाभादास, नरोत्तम दास, मीरा रसखान, मीरा रसखान बहुत फेमस हैं सूरदास जी, इनको आपको, नरोत्तम दास जी भी बहुत अच्छे हैं, तो इनको आपको तीन चार इसके याद रखना है। रामाश्रय शाखा के कवि जो थे तुलसीदास जी थे, राम के बारे में लिखते थे, रामचरण दास जी हैं, केशवदास जी हैं, तो केशवदास जी भी बढ़िया हैं, तो इनके बारे में जो कि राम के बारे में लिखते थे, तो आपने देखा है ना। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं क्या है, सगुण ब्रह्मा की उपासना, सगुण मतलब जिसका रूप भी हो नाम भी हो, सगुणोपासक कवियों के नाम रूपात्मक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया। राम और श्री कृष्ण इनके मुख्य उपासक उपास्य देव रहे हैं, ठीक है। अवतारवाद में विश्वास किया, क्या अवतार होता है, विष्णु के 10 अवतारों में विश्वास करके उनकी उपासना की गई। इन कवियों की धारा में भगवान लोक रक्षा धर्म रक्षा के लिए युग युग में अवतार ग्रहण करते रहते हैं, उन्होंने ऐसा माना कि अवतार लेते हैं भगवान। लीला गान, सूर तुलसीदास आदि कवियों ने अपने उपास्य देव की लीला का गान भी किया बहुत। यह संसार का प्रपंच राम कृष्ण की लीला अभिव्यक्ति करता है। बाल लीला हो वर्णन के लिए तो सूर संसार में प्रसिद्ध हैं, बाल लीला के लिए चाहे श्री कृष्ण का हो चाहे राम के बारे में हो। नाम महिमा, सगुणोपासक कवियों ने नाम स्मरण कीर्तक भजन को बहुत महत्व दिया। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, भाव कुभाव अलख आलस अल सहु नाम जपत मंगल दिस दसहू, है ना। ये इन्होंने गुरु महिमा, संत कवियों की तरह इन कवियों ने अद्यप गुरु को गोविंद से भी बड़ा नहीं बताया है, फिर भी गुरु महिमा की अभिभंजना अत्र तत्र की गई है। यानी कि इन्होंने गुरु को ज़्यादा गोविंद से ईश्वर से बड़ा नहीं बताया, लेकिन उसमें बताया था। बंदा गुरुपद पादुम परागा सुरोच सुवास सारा सनुरागे, तो खैर चलता रहता है। छठमा, ज्ञान से भी अधिक भक्ति को महत्व दिया गया इसमें, उसमें ज्ञान को दिया गया था, इसमें भक्ति को। सगुणोपासक कवियों ने ज्ञान से भी अधिक भक्ति को महत्व दिया, भक्ति से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, कह रहा। ज्ञान तो कृपाण की धार है, ओह, जिस पर चलना सहज संभव नहीं है। ओहो, ज्ञान बिल्कुल भी कृपाण की धार ही जैसा है, ज्ञान को पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन भक्ति करना थोड़ा आसान है। इन भक्त कवियों ने श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन साख्य दास आत्मनिवेदन नवधा भक्ति को बहुत महत्व दिया, बहुत सारे प्रपंच किए गए, ठीक है, बहुत सारे। चौथा, जाति पात के भेदभाव की अमान्यता, भक्त कवियों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति पात का बंधन स्वीकार नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने किसी भी भक्त को भक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया, आज तो कर देते भाई। आठवां, लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना भी इस साहित्य में मिलती है, इसमें आदर्श गृहस्थ आश्रम की कल्पना की गई है और लोक जीवन की झांकी भी प्रस्तुत की गई है। तो काफ़ी सारा इसकी विशेषताएं हैं सगुण की, इनमें जो कवि मेन है जो को आपको याद रखना है, इन तीनों को आपको याद रखना है, इनकी रचनाएँ बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। सूरदास जी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं, कवितावली दोहावली इन्होंने लिखा है। मीराबाई जी मीराबाई के पद लिखा है, बहुत ज़्यादा फेमस, इनको आपको जरूर याद रखना है। तो हमने भक्ति काल में पढ़ा भी निर्गुण और सगुण में पढ़ा। निर्गुण में हमने पढ़ा है ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। फिर सगुण में हमने पढ़ा रामाश्रय और कृष्णाश्रय, दोनों को हमने पढ़ा बारी बारी से। तो आपके में जो भी आएगा आप जरूर इनको एक बार सुने रहें, ताकि आपसे कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और एक तीन चार नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। खैर, हमने आपको ये भक्ति काल समझाने का पूरा प्रयास किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे आपका रीत काल देखेंगे, क्या देखेंगे, रीत काल, उसके बाद आदि काल देखेंगे। तो चारों को हम लोग 4 पार्ट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप को आपको समझ में आएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है, बिल्कुल। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कैसा लगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लाया जाए जल्दी कि नहीं लाया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।